हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड शॉर्ट स्टोरी जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी है। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑन द सरफेस स्टोरी बिल्कुल सिंपल है इसकी, बट यह एक ट्रेजिक क्रॉनिकल है जिसमें हम एक यंग बॉय देखते हैं पैको, जिसकी डेथ हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स का कहना है कि उसकी यह डेथ उसके खुद के कारण हुई थी। इनफैक्ट पैको के अपने लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं और उन्हें वह अचीव करना चाहता है, बट उनको अचीव करे उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। पैको क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बट उसमें जो स्किल्स होती है ना उनकी कमी होती है। ओके, एज अ पोटेंशियल बुल फाइटर, मीन्स वो बुल फाइटर बनना चाहता है बट उसमें इतनी स्किल नहीं होती, बट वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। जब स्टोरी ओपन होती है तो हम देखते हैं मैड्रिड में एक स्मॉल रेजिडेंशियल होटल है जिसको कहा जाता है पेंशन ल्योरका। अब पैको की जो सिस्टर्स होती हैं वे भी ल्योरका में एम्प्लॉयड होती हैं, और पैको का ना एक ड्रीम होता है कि वह बुल फाइटर बने। ओके, यहाँ पर हम अदर कैरेक्टर्स का भी डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्टोरी में। ओके, थ्री मेटाडोर्स होते हैं और टू पिकेडर्स एंड एक होता है बेंड्रिलो। अब जो ये तीन मेटाडर्स होते हैं उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट मेटाडर है वह है मीन्स बहुत डरपोक सा बन जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग बैडली गोड, मीन्स पूरी तरह से घायल होने के कारण वह अपनी मीन्स इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं उसमें, बट वह इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करता है। ओके, बाय पुटिंग ऑन अ शो ऑफ ज्वेलरिटी। वह पैको की ओल्डेस्ट सिस्टर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि, और वह उस पर हंसती है एट हिज कोवर्डेस, मीन्स उसके डरपोकपन पर भी है हंसती है। जो सेकंड मैटेडर होता है वह क्रोनिकली इल रहता है, वह ज़्यादातर टाइम उसने अपने रूम में ही बिताया है, स्पेंड किया है। और जो थर्ड मैटेडर होता है एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारी भीड़ एकत्रित कर ली थी जो वह रिंग में था बिकॉज ऑफ हिज करेज, बट अब उसे ओल्ड फैशन्ड कंसिडर्ड किया जाता है। ओके, ये तीन मैटाडोर्स का डिस्क्रिप्शन था। अब टू पिकेडर्स थे, उनके बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट पिकेडर होता है उसके जो बाल होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, जो एवरी इवनिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और विमेंस की तरफ स्टेयरिंग करता रहता है, स्टेयर करता रहता है, ओके, घूरता रहता है उन्हें। और जो दूसरा पिकेडर है वो बहुत क्वेरलसम होता है, लड़ाकू होता है। ओके, तो ये पिकेडर्स का डिस्क्रिप्शन दिया था। अब है एक बेंड्रिलो था, बेंड्रिलो वह एक मिडिल एज्ड है बट फिर भी वह सक्षम है, कैपेबल है। ओके, अब यहाँ पर एक इवनिंग का बताया गया है कि एक शाम डाइनिंग रूम पर बैठे हुए हैं ल्यूर्का की कौन कौन, ग्रे हेयर्ड पिकेडर होता है और एन ऑक्शनर होता है और दो प्रीस्ट होते हैं, उन्हें तीन वेटर्स अटेंड करते हैं। ओके, उन तीन वेटर्स में से एक वेटर पैको होता है, एक ओल्ड एज मिडिल एज्ड होता है और एक होता है टोल वेटर। अब जो ये हैं, ये टोल वेटर और जो ये मिडिल एज्ड वेटर हैं, ये जो गेस्ट आए हुए हैंगे उनकी बुराई करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा उनके शराब पीने को। अब जो टोल वेटर और जो मिडिल एज्ड वेटर होते हैं जब आपस में बात कर रहे हैं तो पैको आ जाता है और वह उनकी बातें सुन लेता है। अब जो होता है ऑक्शनर जो होता है वो चला जाता है और जो पिकेडर है वो बिगिन करता है स्टेयरिंग एट टू प्रीस्ट्स। अब वो आपस में जो बातें कर रहे हैं वे 2 हफ्तों से वेट कर रहे हैं, किसका, बेसिलियो एवरेज जो ल्यूर्का का ही एक रेजिडेंट है। बट पिकेडर जो होता है वो उठता है और कैफे चला जाता है, बट उसके तुरंत बाद प्रिस्ट भी वहाँ से चला जाता है। अब जो पैको होता है और जो मिडिल एज वेटर होता है वो टेबल और किचन साफ़ करते हैं और वहाँ पर उन्हें वे आपस में एक बोतल भी शेयर करते हैं, बोतल ऑफ वाइन। अब वहाँ पर एनरिक होता है जो कि डिशेज वॉश करता है, उस लड़के के साथ भी वह उसे बोतल को शेयर करते हैं। अब जो एक मिडिल एज वेटर है वो वहाँ से चला जाता है। ओके, अब पैको और एनरिक हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं अबाउट बुल फाइटिंग। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं, मीन्स जो एनरिक होता है जो डिश वॉश करता है और पैको जो कि एक वेटर है वे आपस में बातें कर रहे हैं अबाउट बुल फाइटिंग। ओके, और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं वो बाय यूजिंग नैपकिन्स। अब पैको कहता है कि वह रिंग में भी कभी नहीं डरेगा, उसे बिल्कुल भी डर नहीं है इस बात का। एनरिक बोलता है कि वह उसे रॉन्ग प्रूव कर सकता है और उसे प्रूव करने की कोशिश करता है।
अब एनरिक क्या करता है, एक चेयर लेता है और उसके दोनों पैरों पर चाकू बांध देता है, ओके। और फिर जो पैको है उसको बुलाता है इन मेकशिफ्ट बुल फाइट, कि मीन्स बुल फाइट करने के लिए वह एक तरीके से नकली सा बुल फाइट मैदान को, उसका मैदान बना देता है। अब जो पैको होता है पहले तो उसमें सक्सेसफुल होता है, बट बाद में ही स्टैप्ड और उसको लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, ओके। अब जो हेमिंग्वे है वो अपने इस पीस को एंड करते हुए एक पैराग्राफ लिख रहा है कि अबाउट हाउ पैको डाइड टू यंग टू हैव लॉस्ट एनी ऑफ हिज इल्यूजन्स आइडियल्स एंड ड्रीम्स, ओके। इस पूरी स्टोरी में हम यह देखते हैं कि अपने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स और आइडल्स होते हैं बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और इसी की वजह से वह अपनी मौत